माताओं एवं ब्रह्मचारीगण, ईशोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। ईशोपनिषद के आठवें मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। आठवें मंत्र में ईश्वर को सर्वव्यापक बताया गया है, सपर्यगात, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर ने अपनी सर्वव्यापकता का उपदेश हमारे को इसलिए दिया कि यह जीव अपना उत्थान कर सके। जब यह अधर्म की तरफ बढ़े, दोषों को अपनाए तो उससे बच सके। जब अच्छे कार्य करे तो ईश्वर को भी धन्यवाद दे सके, गर्वान्वित ना हो, और अच्छे कार्य करते हुए यदि अन्य मनुष्यों के द्वारा उचित मूल्यांकन ना हो तो भी मन में ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हुए ये माने कि मेरे प्रत्येक शुभ भाव को, प्रत्येक शुभ यत्न को ईश्वर भली प्रकार जान रहा है और उसका उचित फल, उचित परिणाम मुझे अवश्य मिलेगा। लेकिन ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करने पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव आता है, हमारे ऊपर दीर्घकालिक प्रभाव क्या आ रहा है? ईश्वर की निकटता को सर्वव्यापक रूप में स्वीकार करते हुए, ईश्वर की सन्निधि को सदैव स्वीकार करते हुए धीरे धीरे हम उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं, उसके महत्व को मन से धीरे धीरे हटाने लग जाते हैं। जितनी जितनी निकटता, जितना जितना खुलापन ईश्वर के प्रति हम विचारते हैं कि मेरे हर कर्म को, हर विचार को ईश्वर जान रहा है, ईश्वर के सामने तो मैं बिल्कुल नंगा हूं, तो फिर हम संकोच से, शर्म से धीरे धीरे रहित होने लगते हैं और ईश्वर की सर्वव्यापकता का सुप्रभाव जो हमारे ऊपर आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। हम अपने बचपन से देखें, जो आस्तिक परिवारों में उत्पन्न हुए, बचपन से जिनको ईश्वर के संस्कार मिले, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का बोध हुआ, अथवा उन आस्तिकों को भी ले लें जहां ईश्वर का स्वरूप कुछ विकृत रूप में स्वीकार किया गया है, प्रारंभ में हम लोगों के कहने से ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कुछ बड़े होते हैं और इसको भी अपनी विचारणा के केंद्र में लेते हैं तो अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। अगर ईश्वर को गलत रूप में मान रखा है तब तो निश्चित रूप से प्रश्न उठेंगे ही, और धीरे धीरे वही व्यक्ति नास्तिक बन के खड़ा हो जाएगा और इस विचारधारा को स्वीकार कर लेगा कि ईश्वर की मान्यता को समाज में फैलाने का उद्देश्य समाज को डरा धमका कर, भय दिखाकर ठीक चलाना मात्र है। वास्तव में ईश्वर की कोई सत्ता है नहीं। हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि जिनके साथ में रहते हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, तो किसी ऐसी अदृश्य सत्ता का भय या लोभ समाज के सामने रखा जाए जो अधिक देर तक चल सके
और बस इसी प्रकार ईश्वर की कल्पना हुई और समाज को कुछ ठीक रास्ते पर चलाने में सफलता मिली। वो ईश्वर की विकृत मान्यता को देख करके, जान करके ईश्वर से उपरत हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को मानता है वो भी ईश्वर से धीरे धीरे उपरत हो जाता है। प्रारंभ में वो दूसरों के कहे अनुसार ईश्वर को स्वीकार कर लेता है। वो चाहे बचपन हो, चाहे युवावस्था हो या प्रौढ़ावस्था हो, हम अधिकांशतः ग्रंथों में कहे के अनुसार या उपदेश दिए के अनुसार ईश्वर को स्वीकार लेते हैं। स्वयं का मनन चिंतन ईश्वर के विषय में जो होना चाहिए, जो निधिध्यासन होना चाहिए, वो हमारा नहीं हो पाता। हमारी वेदों के प्रति श्रद्धा है, उपनिषदों के प्रति श्रद्धा है, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है, तो वहां जो कह दिया गया उसको हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। एक स्तर पर यह अच्छी बात है कि हम कम से कम शुद्ध स्वरूप को स्वीकार करके उस रास्ते पर चल तो रहे हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया उसको हमको भली प्रकार से समझ करके, विचार करके, नित्याध्यासन करके दिमाग में बैठाना आवश्यक है। और ऐसा यदि हम कर पाते हैं तो ईश्वर के गुणों की भावना हम पर्याप्त अच्छे स्तर पर कर सकते हैं और ईश्वर के प्रति सतत अनुराग, सतत प्रेम और उसको सर्वोच्च स्थिति में, सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में देख सकते हैं और अपने जीवन को उसी प्रकार से चला सकते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रकरण चल रहा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को मान करके हम उससे मित्रता का भाव बनाने लगे और धीरे धीरे हमारी मित्रता का भाव कम होता जाए, ये इस बात का द्योतक है कि ईश्वर को हमने ठीक मित्र के रूप में नहीं देखा है अथवा हम अभी ठीक मित्र नहीं बन पाए हैं। दो तरह की मित्रता होती है। एक मित्रता वो होती है जिसमें हम मित्रता के प्रारंभिक दिनों में बहुत प्रगाढ़ता अनुभव करते हैं, एक दूसरे के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत भावना रखते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी वो मित्रता कम होती जाती है। तो हम विचारें कि हम भी ईश्वर के प्रति इनमें से कौन सी मित्रता रखते हैं। इसी मित्रता के प्रसंग में पंचतंत्र ने एक और अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा जैसे ईख को ऊपर से चूसें, जो उसका पतला भाग होता है, और चूसते जाएं, नीचे नीचे अगली पोरी को चूसते जाएं, वो गन्ना मीठा होता जाता है। ऊपर कुछ खारा रहता है, फीका रहता है, नीचे मीठा होता है। तो सज्जनों की मित्रता ऐसी है जैसे कि गन्ने को ऊपर से चूसना, धीरे धीरे उसमें प्रेम की मिठास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इसके विपरीत दुर्जनों की मित्रता है कि प्रारंभ में बड़ी मिठास लगेगी लेकिन धीरे धीरे वो मिठास कम होती जाएगी और कुछ खटास में बदल जाएगी, कुछ खारेपन में बदल जाएगी। एक और उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि एक मिट्टी का घड़ा है और एक पीतल का घड़ा है, धातु का घड़ा है। दुर्जनों की मित्रता ऐसी है जैसे कि घड़े का टूटना और टूट करके घड़े का ना जुड़ना।
मिट्टी का घड़ा टूट जाए तो वो जुड़ता नहीं है, कोई बहुत ही प्रयास करके जोड़े तो जुड़ भी जाए कह नहीं सकता। लेकिन आपने कभी ऐसे टूटे हुए घड़ों को उपयोग में लेते हुए नहीं देखा होगा, उसकी बजाय तो एक दूसरा घड़ा ले लिया जाता है। तो दुर्जनों की मित्रता ऐसी है, अर्थात निकटता ऐसी है जैसे मिट्टी के कणों का पास में आकर के घड़ा बन जाना, लेकिन वो जब टूट जाएगी तो जुड़ती नहीं है, जुड़ नहीं पाती है। इसके विपरीत सज्जनों की मित्रता ऐसी है जैसे कि पीतल या तांबे का घड़ा, वहां भी उसके कणों में जुड़ाव आया है लेकिन वो जुड़ाव घनिष्ठ है, थोड़ी सी चोट से वो टूटता नहीं है, मुड़ जाता है थोड़ा सा, टूटता नहीं है आसानी से। घड़ा तो उतनी चोट से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। विपरीतताएं आती हैं, परस्पर मत वैभिन्न भी होता है, लेकिन सज्जनों की मित्रता इन विरोधों के कारण से टूटती नहीं है, और यदि मोच आ भी गई तो वो ठीक हो जाती है, वापस सीधी हो जाती है, और घड़ा टूट भी गया, छिद्र भी हो गया तो भी वो फिर से बन जाता है, फिर से जुड़ जाता है। पीतल के घड़े नीचे से घिस घिस करके छिद्र वाले हो जाते हैं तो उसका पैंदा काट करके दूसरा लगा के फिर से उपयोग में आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नया उपयोग में आता है। तो ये मित्रता के, लौकिक मित्रता के उदाहरण हमारे मनीषियों ने दिए। हम देखें ईश्वर के प्रति हमारी मित्रता निकटता किस प्रकार की हो रही है। ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था रखने वाले, अपने आप को धार्मिक समझने वाले, शुद्ध आचरण वाला समझने वाले जब विपरीत स्थिति में पड़ते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था को खो बैठते हैं, और ईश्वर के प्रति आस्था का टूटना इस बात का निश्चित संकेत है कि उन्होंने ईश्वर को भली प्रकार से समझा नहीं है, ईश्वर के साथ में सज्जनों जैसी मित्रता नहीं बनाई है। वो बिल्कुल टूट जाते हैं मिट्टी के घड़े की तरह। तो ईश्वर के प्रति आस्था केवल हृदय से नहीं होती, केवल सुनकर के भावनाओं में बह करके नहीं होती, यदि होगी तो वो थोड़े दिन के लिए होगी, भक्ति भाव को जगाएगी, आंसू भी गिरेंगे, बहुत ऊंची ऊंची बातें ईश्वर के प्रति कही भी जाएंगी, लेकिन उस मित्रता की असली परीक्षा तो विकट स्थिति में होगी कि हमारा ये घड़ा मिट्टी का है अथवा पीतल का है। तो ईश्वर को जितना हमने जाना समझा है, सुनकर के जाना है, भक्ति भाव में जाना है, जितना जाना उतना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भली प्रकार से विचार करके मन में बैठाएं, विवेक पूर्वक ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा हो, इसके लिए बार बार ईश्वर के गुणों का चिंतन आवश्यक है। और इन गुणों को विचारते हुए जो प्रश्न शंकाएं उपस्थित हों उनको उठने दिया जाए, पूरी तरह उठने दिया जाए और उनका समाधान किया जाए, और इस प्रकार समाधान करके ईश्वर की ऐसी मित्रता हम स्थापित कर सकें कि ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे जीवन में घटित हो जाए, हर स्थान पर हर समय हम ईश्वर के प्रति वही मित्रता का भाव रख सकें, ईश्वर की उपस्थिति को भली प्रकार से स्वीकार कर सकें। इसी भावना को मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
गम करूं।